गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को देसी पिगन में स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि अच्छे कबूतर की पहचान कैसे की जाती है। देखिए भाई, जो इसका आंख दिख रहा है ना भाई, दिखा दे पास करके, जो इसका रिंग दिख रहा है, रिंग भाई, ये रिंग कहीं से टूटा नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। इसके बाद देखिए, इसमें जर्रात दिखता होगा बादल की तरह, वैसा रहना चाहिए। और उसके बाद आता है जो लास्ट रिंग, ये वाला देखिए, ये ब्लैक ब्लैक जो रिंग है, ये भी रिंग कहीं से टूटा होना नहीं चाहिए। ऐसे कबूतर अच्छे होते हैं। और जो ये आईब्रो दिख रहा है ना, आड़ी की दांत की तरह, ऐसे ऐसा होना चाहिए। और अब आते हैं मुंडी पे, जो मुंडी है, चिपका मुंडी होना चाहिए। यहाँ गैप, आँख और मुंडी का गैप बस एक सुई की तरह गैप होनी चाहिए। और चोंच जो चोंच है, जैसी चोंच है वैसी नाखून होना चाहिए, ब्लैक नाखून है, सुर्ख नाखून है। और भाई, जो जब गर्दन पकड़ेंगे आप, देखिए भाई, देखा रहे जाइए, जब भाई गर्दन आप पकड़ेंगे कि जैसे बूट का दाना होता है ना, वैसा फील होना चाहिए। और उसके बाद आ जाते हैं भाई अब पर की तरफ, देखिए दिखा रहा है, रुक जाइए, भाई जो पहला कली है ना, पहला कली ये वाला, अब बगल के पर से पहला कली बड़ा होना चाहिए। और जो ये तीन पर है, अठवा नौवा दसवा, ये अठवा और नौवा दस अठवा और दसवा बराबर हो तो भी चलेगा, नहीं तो नौवा और दसवा बराबर होगा तो चलेगा। और कबूतर में मुलायमियत होना चाहिए, मुलायम कबूतर होना चाहिए। जब पकड़ें तो ये है ना उंगली, ये उंगली में कबूतर आ जाए, ऐसा कबूतर अच्छा होता है। और जो ये है पर, पोंछ से बाहर नहीं होना चाहिए। और भाई, अब दिखा रहे हैं आपको हड्डी जोड़, जब हड्डी है चार उंगली की जैसा होना चाहिए। और जब चार उंगली जहाँ ख़त्म हो रही है, यहाँ पर जो है ना हड्डी जहाँ ख़त्म हो रहा है, वहाँ पर एकदम कांटे की तरह गड़ना चाहिए। और उसके नीचे एक और हड्डी होगा, हड्डी जोर, वो एकदम बंद होना चाहिए और मुलायम होना चाहिए, जैसे चिमटा जैसे रहता है वैसे ही होना चाहिए पूरा। और जब पोंछ है, पोंछ के ऊपर ये होना चाहिए पूरा, तो पाचा और पीछे भी होना चाहिए, देखिए दिख रहा होगा आपको। और उसके बाद आपको ये बताते हैं भाई कि पर में, पर का जहाँ ज्वाइंट है ना भाई, यहाँ देखिए, यहाँ जो ज्वाइंट है, यहाँ पर गुड्डा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे भी गुड्डा नहीं होना चाहिए, हड्डी एकदम दिखना चाहिए। और उसके बाद भाई, कबूतर को पकड़ें तो देखने से बुझा जाता है भाई कबूतर अच्छा है। जो ये नाक है, नाक नथनी, इसमें ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, जैसा इसका ऐसा ही होना चाहिए। और भाई, आपको ये एक और चीज़ बता रहे हैं, जो ये नाखून है, नाखून ये वाला चांद की तरह होना चाहिए, ऐसे चांद जैसे होता है ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है ना भाई। भाई, आपको ये कबूतर अच्छा लगा होगा, और कबूतर पहचान करने में कोई ये होगी तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है भाई, ठीक है। इसको हम आपको छोड़ कर दिखा रहे कबूतर को,